तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें IDBI बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट को खोल लेना है। और जब ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगा उसके बाद हमें एक ऑप्शन को चूज़ करना है जिसका नाम है कैरियर। जैसे ही आपको कैरियर का ऑप्शन मिलेगा आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जैसे दिख रहा होगा करंट ओपनिंग आपको दिख रहा होगा कैरियर ऑप्शन के अंदर में, इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ से करंट ओपनिंग को क्लिक कर देना है। करंट ओपनिंग को क्लिक करने के बाद जैसे आप नीचे की तरफ में जाएंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर एडमिशन्स टू IDBI बैंक PGDBF 2021-22। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ दिख रहा होगा, एक डिटेल एडवर्टाइजमेंट और दूसरा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू IDBI बैंक PGDBF 2021-22। तो सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है ताकि आपको पता चल सके कि इसके बारे में क्या कुछ लिखा हुआ है। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसे डाउनलोड हो जाएगा, आप देखेंगे यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कि IDBI बैंक हैज़ इंटर्ड इनटू MOU विद मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, मणिपाल बेंगलुरु एंड नीट एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, नीट ग्रेटर नोएडा टू प्रोवाइड ट्रेनिंग इन बैंकिंग एंड फाइनेंस टू प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट्स एस्पायरिंग टू जॉइन IDBI बैंक एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। IDBI बैंक इन्वाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम यंग डायनेमिक ग्रेजुएट्स फॉर 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस कंप्राइजिंग ऑफ 9 मंथ्स ऑफ क्लासरूम स्टडीज एंड एट कैंपस एंड 3 मंथ्स ऑफ इंटर्नशिप एट IDBI बैंक्स ब्रांच। आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द कोर्स द कैंडिडेट विल बी अवार्डेड PGDBF सर्टिफिकेट एंड विल बी इंडक्टेड इन टू IDBI बैंक एज असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए। तो आप लोग का 2 जगह ट्रेनिंग होगा अगर आप ये एग्ज़ाम पास करते हैं, या तो बेंगलुरु में नहीं तो नोएडा में। और यहाँ पे जोन्स वाइज दिया हुआ है, 2 जोन दिया हुआ है, साउदर्न एंड वेस्टर्न जोन्स और नॉर्थर्न एंड ईस्टर्न जोन्स। तो इसमें कौन कौन से सिटीज़ आते हैं आप देख सकते हैं और ये डिटेल्ड है ये। कैंडिडेट प्लीज़ नोट द फॉलोइंग स्पेसिफिक क्राइटेरिया बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट। तो आप ये देख लीजिए 1 साल का कोर्स है ये और इसका जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन वो है ग्रेजुएट। ग्रेजुएट में आपको मिनिमम 60% मार्क्स चाहिए, लेकिन SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 55% मार्क्स। एज लिमिट आपका 21 से 28 है, लेकिन इसमें रिलैक्सेशन है। और आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 4/9/2021 को, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 650। ये और भी डिटेल्स में यहाँ दिया हुआ, आप पढ़ सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लोग बता दे रहा हूँ, जैसे एज रिलैक्सेशन SC ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स है, OBC नॉन क्लेमिलियर के लिए 3 ईयर्स है और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के लिए 10 ईयर्स है। और जो आपका फीस है SC ST PWD कैंडिडेट के लिए 200 रुपया और अदर कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपया। और ऑनलाइन आप इसका फी पे कर सकते हैं 10/8/2021 से लेके 22/8/2021 तक। अप्लाई करने से पहले आप क्या क्या करेंगे यहाँ दिया हुआ, साथ साथ आपको एक फ़ोटोग्राफ चाहिए, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन चाहिए, या उसको आपको स्कैन करना है और स्कैन करके रखना है। जब आप रजिस्टर करेंगे तब आप लोग ये मांगेगा अपलोड करने के लिए। और साथ ही साथ एक ईमेल ID मोबाइल नंबर भी चाहिए जिसमें आप लोग का कॉल लेटर जाएगा। और ये के आप जो स्कैनिंग करेंगे उसका यहाँ सब कुछ डिटेल में दिया हुआ किस हिसाब से होना चाहिए, आप इसे पढ़ लीजिए। नोट करने वाली बात ये है कि आप जो भी चीज़ लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कैंसिल हो जाएगा। देखिए लिखिए कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए, नहीं तो कैंसिल हो जाएगा आपका एप्लीकेशन। और भी डिटेल्स में दिया हुआ है,
देख लीजिए आप और डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। और ऑनलाइन फी पेमेंट आपका ऑनलाइन मोड से ही होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है और आपका एज 10th और 12th के मार्कशीट के आधार पर ही लिया जाएगा। एक कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, पेमेंट गेटवे ओपनिंग और क्लोजिंग का दिया हुआ 10/8/2021 से लेके 22/8/2022 तक, और एप्लीकेशन सबमिशन का भी वही है सेम डेट, और डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट आपका 4/9/2021 है। आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसा होगा, आप लोग का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, अगर आप इसमें पास करते हैं तो, या आपका अगर कट ऑफ लिस्ट में नाम आता है तो आप लोग का एक इंटरव्यू होगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्या क्या सिलेबस आप देख लीजिए, लॉजिकल रीजनिंग डेटा एनालिसिस, फिर इंग्लिश लैंग्वेज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस क्या क्या है वो देख लीजिए आप। 2 घंटे का एग्ज़ाम है और अगर आप रॉन्ग आंसर करते हैं तो आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट भी होगा। अगर आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आप लोग का एक साल का फीस रहेगा 3,50,000 प्लस, अगर इसके एक्स्ट्रा में भी कुछ होता है तो वो भी आप लोग को देना पड़ेगा। तो अगर आप इतना अमाउंट पे नहीं कर सकते हैं तो आप बैंक से लोन लेके भी, एजुकेशन लोन लेके भी अपना कोर्स कर सकते हैं, जो कि आप बाद में अपने सैलरी से डिडक्ट करा सकते हैं या और पहले भी आप पे कर सकते हैं, ये आप लोग के ऊपर में है। और अगर आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, पास करने से पहले ट्रेनिंग के दौरान आपका 9 महीने का जो होगा स्टार्टिंग में, उसके लिए आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा 2,500 रुपया पर मंथ के हिसाब से, और 3 महीने का इंटर्नशिप रहेगा जिसमें आपका 3 महीने में 10,000 रुपया पर मंथ आपको दिया जाएगा। और अगर आप ये एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको ऐसे असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के पोस्ट में ले लिया जाएगा IDBI बैंक में। आप लोग का स्टार्टिंग सैलरी 36,000 पर मंथ होगा, आप पढ़ लीजिए। और आपको मिनिमम जॉइनिंग के बाद आपको मिनिमम 3 इयर्स काम करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही आप छोड़ सकते हैं। उससे पहले अगर आप छोड़ेंगे तो आप लोग को पेनल्टी लगेगा 2 लाख का, नहीं तो आप लोग को 2 लाख का बॉन्ड बनाना पड़ेगा, आप पढ़ लीजिए, सर्विस बॉन्ड में लिखा हुआ है ये सब। ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैंने आप लोग को बता दिया, बाकी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारा डिटेल्स दिया हुआ है। और एग्ज़ाम का सेंटर्स कहाँ कहाँ होगा ये भी दिया हुआ है, इसमें देख लीजिए अलग अलग स्टेट में कौन कौन से सिटीज टाउन में हैं, आप ये देख सकते हैं। तो आप लोग का एग्ज़ाम इसी इन्हीं सिटीज़ में होगा, लेकिन आप लोग को अपना कोर्स पूरा करने के लिए 2 ही सिटी जाना पड़ सकता है, या तो बेंगलुरु नहीं तो नोएडा। देख लीजिए सारा डिटेल्स।